जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान जो लिखा तार ना लगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, अशरफ का खत आया है। माशाल्लाह इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ है। तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ाओगे क्या? हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो भी सही। विशाल अपनी बहन सिमरन के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये खबर रिलायबल है? लेकिन लाख समझाने पर भी मेरा दिल बार बार यही कहता है कि आरती आरती मजबूर होकर दुबई से चली गई है। करुआ मर गई, मेरी करुआ मर गई, मर गई वो करुआ, मर गई मेरी करुआ, मर गई। कैसी बेहुदा बातें करते हो? अगर उस दिन वो इस घर पर नहीं आती और ये उसको घर से बाहर नहीं निकालते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता और वो यूं नहीं मरती। मर गई मेरी करुणा, मर गई। मैं जा रहा हूं अमेरिका उसका अंतिम संस्कार करने, मगर जब लौटूंगा तो इस घर के लिए एक जमदूत बनकर लौटूंगा। गुल खान बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम गुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम विशाल पुतुर, क्या हाल है? सब खैरियत तो है ना? नहीं गुल चाचा, खैरियत ही तो नहीं है। क्या अनाप शनाप बकता रहता है, बोल क्या हुआ है? गुल चाचा करुणा आंटी गुजर गई। तेरे मुंह में खाक, क्या बकवास कर रहा है? हाँ गुल चाचा, करुणा आंटी गुजर गई। आप जल्दी से घर आ जाइए, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हेलो गुल चाचा, खान साहब क्या बात है? शमशेर की बहन का इंतकाल हो गया है। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरी खबर है। खान साहब गाड़ी की चाबी। आज मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। बाबूजी को होश कब आएगा डॉक्टर? कुछ घंटों में होश आ जाएगा। देखिए इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और दिल के मरीज के लिए ऐसा सदमा खतरनाक भी हो सकता है। इनके दिल की हालत कैसी है? अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी खतरे की कोई बात नहीं। फिर भी हमें सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए और जब इन्हें होश आ जाए मुझे फोन कर दीजिएगा। जी अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ।
शमशेरा जाने वाले के साथ कोई नहीं चाहता, माना कि हमारा बहन मर गया है, हम सब कुछ छोड़कर चला गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन शमशेरा तू हम सबको ऐसा क्यों, तू हम सबको मार रहा है? सिमरन पुत्र गोपी आप लोग जरा बाहर जाओ, जाओ 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 जाओ। भाई साहब इनकी हालत मैं कुछ सुन कर नहीं, मुझे मेरे दोस्त के पास छोड़ दो। चलो भाभी चलो, ये वक्त वेस्ट करने का नहीं है, खुदा के वास्ते जाओ आप लोग, जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं करो मुझसे, ये छोड़ दो मेरे दोस्त के पास, जाओ 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 भाभी जी, जाओ बैठ जाओ मिशन जाओ, मुझे जानो बोला है, मुझे बात करना है अपने खुदा से, बात करना मुझे। कुल्हे करुणा चली गई, कुल्हे करुणा चली गई, तेरी बहन चली गई, कुल्हे तेरी बहन चली गई, और यार कुल्हे ये बाबूजी की खामोशी से मुझे डर लगने लगा है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है कुप्पी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि बुआ जी की मौत से बाबूजी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, हमें उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इस सदमे के साथ साथ उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, उनका जमीन उन्हें सता रहा है। इस बात पर सिमो, बाबूजी की बीमारी के वक्त बुआ जी उनसे मिलने आई थी, लेकिन बाबूजी ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हें किसने बताया? माने बाबूजी भले ही उनसे मिलते नहीं थे, लेकिन वो उनसे कितनी मोहब्बत करते थे इसका अंदाजा शायद बुआ जी को भी नहीं होगा। काश काश मरने से पहले बुआ जी ये बात जान जाती, काश एक बार ये भाई बहन एक दूसरे से प्यार से मिल रहे थे। बाबूजी बुआजी से मिलने हॉस्पिटल गए थे, लेकिन बुआजी की दिमागी हालत के कारण वो उन्हें पहचान न सके। तकदीर ने भी कैसा मजाक किया हमारे बाबूजी के साथ, सोचती हूँ तो दिल दुखी हो जाता। इस दुख का सिर्फ एक ही इलाज है, हम सबको मिलकर बाबूजी का दिल बहलाने की कोशिश करनी चाहिए। गुप्पी मैं सारी कोशिश करके हार चुका हूँ, तो सब भगवान ही कोई चमत्कार दिखाए। भगवान तो अपना काम करेंगे, मगर उससे पहले
हमें भी कुछ करना चाहिए। पता नहीं वो अकेले बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं, अपने गमों का जहर खुद ही पीते रहते हैं। हाँ भैया, कुछ सोचिए ना, बाबूजी को और इस हालत में नहीं रहना चाहिए। सिमरन बिटिया, तुम ही कोशिश करो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं तुम्हें। तुम ही उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल पाओगी। खान साहब, खान साहब, चलिए अंदर चलिए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है सर, अभी भी आप जाओ, जाके खा लो। खान साहब, 3 रोज से आपने अनाज का एक दाना भी नहीं चखा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है बीबी, करुणा बहन की अचानक मौत ने मेरे दिल को मुर्दा कर दिया है। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, हमें उसकी मर्जी पर राजी रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सब्र पसंद है। मैं राजी पर रजा हूं बीबी, मेरे रब की खुशी मेरी खुशी। करुणा मेरी सगी बहन नहीं थी, फिर भी मेरी बहन थी। मैंने उसे खेलते कूदते देखा है। सही है कि शादी के बाद मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन ये तसल्ली भी तो काफी थी ना कि वो अपने घर में खुश है, राजी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी कम उम्र में हम सब को छोड़ के चली जाएगी। जिंदगी फानी है खान साहब, और मौत अटल, कब कहां कैसे आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप इस तरह से खाना पीना छोड़कर कब तक बैठे रहेंगे? अल्लाह ताला का हुक्म है कि किसी की भी मौत का शोक 3 रोज से ज्यादा नहीं मनाना चाहिए, और आपको आपको अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए। चलिए अंदर चलकर खाना खा लीजिए। यही सोचते हैं ना कि आपकी करुणा गुजर गई, आपको यही कम खाया जा रहा है ना। आप उसकी सूरत कभी नहीं देख पाएंगे, है ना? देखिए देखिए इस रूप को, इस रूप में आपकी करुणा हमेशा आपके पास रहेगी, आपको बहन का प्यार और बेटी का सुख देगी। सिमरन, मेरी बेटी सिमरन, मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना करुणा, मेरी बेटी सिमरन, मेरी बहना करुणा, मेरी बेटी सिमरन, मेरी बेटी। खान साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप काम पर मत जाइए। जाना चाहिए तो नहीं बीबी, लेकिन जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा?
कोई मजबूरी तो नहीं है ना? टैक्सी आपकी खुद की है, जब जी चाह चलाइए, जब जी चाह मत चलाइए। आपका कहना बजाय बीबी, लेकिन ये टैक्सी चलाकर मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। ये टैक्सी नहीं चलाऊंगा तो आमदनी कैसे होगी? दो चार रोज अगर आमदनी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो फिर क्या होगा? देखो बीबी, आप मेरा इतना फिक्र मत किया करो, वैसा ना हो कि मैं आराम तलब हो जाऊं। आप नहीं जाएंगे। मैं आपके खुलूस की कदर करता हूं सारे बीबी, लेकिन रोजी रोटी कमाना भी तो लाजमी है ना। खुद ही सोचो, अशरफ मियां के पढ़ाई का खर्चा, फिर फैसल के अलग अखराजात, और उसके ऊपर रोजमर्रा के घर के खर्चे, ये सब कहां से चलेंगे? रोजमर्रा के खर्चे की आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आप जो मुझे रोजाना के खर्चे के लिए पैसे दिया करते थे, उसमें से मैंने थोड़ी बचत कर ली है। महीने भर का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। लाइए चाबी दीजिए। आपको तो बुखार है खान साहब, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूं। और सुनो, कोई नई डेवलपमेंट? वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सर। एक ऐसे कैरेक्टर से मुलाकात हुई है जो हमारी कहानी में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। कौन है वो? मिसेस भाटिया। ये मिसेस भाटिया वही तो नहीं जिसका गारमेंट बिजनेस है? जी, ये वही है। तो क्या चाहती है वो? हमारी मदद। दरअसल वो एक बहुत मुश्किल में फंस गई है। उन्होंने अपने सप्लायर्स को मिलियंस के चेक्स दे रखे थे, और ये सारे चेक्स बैंक से बाउंस होकर वापस आ गए हैं। और आप तो जानते ही हैं, इस कंट्री में चेक्स बाउंस हो गए तो उन्हें जेल हो सकती है, यही ना? जी। तो मिसेस भाटिया फाइनेंस चाहती है। सुमित, मैं सूद पर फाइनेंस देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। हमारी दिलचस्पी सूद में नहीं है सर, हमारी दिलचस्पी उनके बेटे में है। उनका बेटा? जी, उनका नालायक बेटा अजय, जो अनमैरिड है। मिसेस भाटिया का नालायक और अनमैरिड बेटा, और विशाल को अपनी बहन के लिए एक लड़की की तलाश है। Am I right? You are always right, sir. मेरी बिछाई हुई शतरंज के लिए मोहरे खुद चलकर आए हैं। देखना यह है कि मोहरा कितना फिट है। मैंने देख लिया सर, इस मोहरे का सही इस्तेमाल किया जाए तो अगली बाजी हम जीत सकते हैं। और अगली बाजी खेलने के लिए मैं बेचैन हूं सुमित। मैं करुणा की चिता देख कर आया हूं। करुणा राख हो गई,
उसकी चिता बुझ गई, लेकिन मेरे दिल के अंदर जलती हुई गम और गुस्से की चिता अभी भी भड़क रही है। उस चिता के शोले शमशेर राज की दुनिया को जला कर भाग कर डालेंगे।